कई लोगों को अच्छा लग रहा है, और कई लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के भी क्वेश्चन करवाइए, कुछ पढ़ा दीजिए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, पहले ये जो अभी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हम करवा रहे हैं, बीच बीच में आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन करवाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। पहले आप इसको कर लें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, और क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ है तो उसको फिर हम करवाएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लासेज में बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एक पिरामिड का, पेंटागोनल पिरामिड का, अभी तक हम लोगों ने जो बनाया है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख के बनाया। वर्टिकल प्लेन पे जब ऑब्जेक्ट हो, ये पेंटागोनल हमने एक प्रिज्म लिया है, पेंटागोनल प्रिज्म है ना, रेगुलर है, रेगुलर मतलब सभी साइड इक्वल। तो इसके कंसेप्ट का एक क्वेश्चन लिया हमने कि अगर वो वर्टिकल प्लेन पे, जैसे मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है, अगर इस पे रखा हुआ हो तो इसका मूव, इसको हम इंक्लाइन कैसे करेंगे, इसका प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, नेमिंग किस तरीके से करेंगे, ये सब हमें इस वाले वीडियो में आपको सिखाएंगे। और तो ये हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेकर आए, ये आप क्वेश्चन देख ले, ऐसा इरेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस इज 30 mm, इसका बेस इज कितना है, 30 mm है, और एंड द हाइट ऑफ एक्सिस इज 55 mm, लेंथ इसका अगर कह सकते हैं हाइट है कितना यहाँ से यहाँ तक का, वो 55 mm है, मतलब सभी के सभी जो साइड एजेस हैं उसका डिस्टेंस कितना होगा, 55 mm होगा। ठीक है, इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज, देखिए कॉर्नर पे या तो रखा होगा या एज पे रखा होगा, बेस एज पे। अब इसमें किस पे है, बेस एज पे रखा है, तो मतलब जब हम इसको रखेंगे तो हमें क्या करना है, जैसे मान लिया जाए ये वाले पोर्शन जो है ये कहाँ होना चाहिए, राइट साइड में हम रखेंगे। ठीक है, राइट साइड में ऐसे करके इसको रखेंगे, इंक्लाइन करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, इसके नीचे जो कॉर्नर एजेस हैं उस पे जाके पूरा का पूरा लोड जाएगा। इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज ऑन एच पी, और सबसे पहले हम कहाँ बनाएंगे, क्योंकि वीपी पे रखा है तो वीपी पे जो पेंटागोनल प्लेन आपको दिखाई दे रहा है वैसा बनाएंगे। ठीक है, और उसका टॉप व्यू कहाँ बनाएंगे, पूरा का पूरा फेस नीचे। द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज इंक्लाइंड एज, नेक्स्ट टाइम में है अगर वीपी पे रखा है एच पी से, अगर ऊपर से देखेंगे एच पी पे क्या दिखाई देगा, परपेंडिकुलर, इसका एक्सिस कैसा दिखाई देगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, वीपी से परपेंडिकुलर हमें एक्सिस दिखाई देगा, तो वीपी से कितना डिग्री से इंक्लाइन है सबसे पहले हम वो ढूंढेंगे। द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी, मतलब वीपी से सबसे पहले इंक्लाइन करना है, और कितना डिग्री से, 45 डिग्री से करना है। एंड द रेस्टिंग बेस इज इंक्लाइंड एज, अब इसमें क्या है, अगेन ये हमारे एक्सिस के बारे में नहीं बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, जो जिस बेस एज पे रखा हुआ है। अब सेकेंड स्टेज प्रॉब्लम हम लोग जब बनाएंगे तो देखेंगे बेस एज का पोजीशन कैसा है, जैसा भी हो उस बेस एज जिस पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे हमें इंक्लाइन करना है कितना डिग्री से, 60 डिग्री से एचपी पे होना चाहिए, बस उसको टिल्ट करा देना है, 60 डिग्री से हमें मूव करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेसिकली बनाते हैं एक्स वाई लाइन, फिर हम एच पी पे हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं वर्टिकल प्लेन पे इस बार बनाएंगे क्या, एक पेंटागुलर प्रिज बनाएंगे जिसका राइट साइड, जिसका एक एज कहाँ हो, राइट साइड में हो, सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहां पे हम बनाते हैं सबसे पहले, एक्स वाई लाइन ठीक है, इधर रखेंगे एक्स, इधर रखेंगे वाई, और टॉप में एक पेंटागन बनाएंगे जिसका राइट साइड में क्या हो। तो सबसे राइट साइड से शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे 30 mm साइड का, 30 mm साइड ले लिया यहाँ पे, और इसके दो पार्ट कर दिया हमने, 30 mm का 15 और 15, ये दो पार्ट हमने मार्क कर लिया यहाँ से अपोजिट साइड में। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन मिडिल पॉइंट से, ये क्या, हाँ क्या मार्क करेंगे इस पे, इसका एक मेडियंस मार्क करेंगे, और वो कितना होगा, इसका 1.5 टाइम्स होगा, पहले हाफ टाइम्स मेजर कर लिया, फिर इसका ये 1.5 टाइम्स होगा। ठीक है, अब इसी बेस के रिस्पेक्ट में जितना डिस्टेंस है, इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ रखते हुए इस आर्क को कट कर लेंगे, यहाँ रखते हुए इस आर्क को कट कर लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा 5 पॉइंट बनेंगे हमें,
ये पांचों पॉइंट हमें क्या शो करेंगे, यहाँ देखें एक पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ है, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, इसको जब हम मिलाएंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक रेगुलर पेंटागोनल, रेगुलर पेंटागन मिलेंगे। अब प्रिज्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पांच के जगह पे हमें दस नाम, उसके मतलब बेस में भी है टेन नाम से, टेन नेम्स करने होंगे। दूसरी चीज़ हमें एक्सिस पॉइंट ढूंढना है, एक्सिस पॉइंट के लिए हमने क्या बताया था, एक मीडियंस तो यहाँ है, दूसरा मीडियंस भी हम क्या करेंगे, एक किसी भी एज पे हम मिडिल पॉइंट लेकर के उसके अपोजिट वाले कॉर्नर से इसको मिलाएंगे, जहाँ भी मिली मीट करेगा ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सिस हो गया। अब इसमें हमें कोई इससे मिलाना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है। जो भी कॉर्नर्स होंगे जिसके इसके जस्ट सामने होंगे, ये हमें मानना है। ये आपको फ्रंट फेस दिख रहा है, ऐसे रखा हुआ अगर है, ये कैसे रखा हुआ, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ वाला, ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये दिख रहा है हमें। यहाँ नेमिंग करेंगे, किधर से नेमिंग करेंगे, इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड टॉप से देखेंगे तब ये तीनों पॉइंट दिखाई देंगे, फ्रंट से देखेंगे तो ये पांचों दिखाई देंगे, इसमें लेफ्ट साइड ए बी सी डी ई ऐसे नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी ई। लेकिन फ्रंट व्यू में क्या होता है, जब कभी भी बी वर्टिकल, फ्रंट व्यू मतलब वर्टिकल प्लेन पे विदाउट डैश तो होता नहीं है, सभी में क्या करेंगे, डैश लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम डैश लगा देंगे ए बी सी डी ई। दूसरा, इसके पीछे भी, समझ रहे हैं, इसके पीछे भी पॉइंट है, ए के पीछे पॉइंट है, ई तक तो हो ही गया, तो क्या करेंगे, एफ डैश जी डैश एच डैश आई डैश जे डैश, ये डिफरेंट पॉइंट्स, टेन पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब सभी का प्रोजेक्शन लेंगे, इसको अगर हमने ऐसा रखा है, इसको अगर टॉप से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये हमें कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, टॉप पे बनाएंगे तो कहाँ दिख, टॉप व्यू में कहाँ दिखता है, एच पी पे, एच पी कहाँ, इसके नीचे है, तो हमें यहाँ इसके नीचे क्या करना है, डिस्टेंस बनाना है। और कितना हाइट का, इसका हाइट कितना है, एक्सिस का हाइट है 55 mm, तो यहाँ से इसके जस्ट प्रोजेक्शन लेंगे सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लीजिए, इस पे एक्स वाई लाइन पे, तो यहाँ से हम सभी का प्रोजेक्शन ले लेंगे, बी और ई का सेमी पे आना चाहिए, एक्सिस का आएंगे इसके बाद में, और हम क्या करेंगे, सभी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इस पॉइंट को इधर से होते हुए यहाँ आएगा, प्रोजेक्शन लाइन हम लोग फोरेज से बनाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, और फिर यहाँ से एक्सिस का हाइट कितना है, हमें वो हाइट हमें मार्क कर लेना है, 55 mm हाइट है इसका, तो 55 mm हाइट करीब करीब कंसीडर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का। ये रफली बना रहे हैं, इसके बाद में जब फाइनल बनाएंगे, फाइनल टच देंगे इसको, तो इसको डार्क करने के लिए अलग कलर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसे हम डार्क कर देते हैं। सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, एक्सिस कौन सा कलर में हो, कैसे होगा, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश। आउटर बाउंड्रीज इसका सभी पॉइंट का, आउटर साइड्स को मिला देंगे, ऐसे टॉप से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। नेमिंग कहाँ क्या होगा, आपको सबसे पहले कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा था, पहले क्या लिखा, ए बी सी डी, ये किधर होगा, आपकी तरफ होगा, और ये कौन सा, ए, इसके बाद सामने में बी, यहाँ पे सी, उसके सी के पीछे जो नहीं दिख रहा है डी, यहाँ ई, ठीक है, यहाँ एफ जी एच आई जे, बस जे तक नाम नेमिंग है। अब यहाँ तो डैश वाला था, डैश के अपोजिट में क्या लिखते हैं हम लोग, ओनली विदाउट वन टू नहीं लिखेंगे, इसमें वन लगाएंगे, वन 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 वन, तो नेमिंग में चेंज हो जाएंगे ऐसे। यहाँ से शुरू करते हैं तो विदाउट,
मतलब ए बी सी डी लिखते हैं यहाँ पर डैश वाला, अब यहाँ और पहले डैश आ चुका तो यहाँ वन वन वाला आएंगे। जैसे हम सेकंड स्टेज में करते हैं उसमें प्रॉब्लम पहले वाले प्रॉब्लम देखेंगे, डैश वाला आया उसके बाद चेंज हुआ तो क्या लिखते हैं हम लोग वन वन, यहाँ पहले डैश वाला है अब ये चेंज हो गया तो वो यहाँ पर क्या आ जाएंगे वन वन आ जाएंगे। अब इसे हम इनक्लाइन करेंगे ऐसा तो यहाँ वन वन ही रहेंगे लेकिन यहाँ चेंज हो जाएंगे, डैश वाले नहीं आएंगे डैश के साथ वन भी जुड़ जाएगा, वन डैश ऐसे करके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसके एक्सिस को इंक्लाइन करना है, एक्सिस को इंक्लाइन कितने डिग्री से करना है, वीपी से करना है पहले, तो वीपी के रिस्पेक्ट में जो भी करेंगे यहाँ करेंगे तो इस वाले को करना है कितना डिग्री से, 45 डिग्री से, चलो इसको 45 डिग्री से। अच्छा इसको 45 डिग्री से करेंगे तो और कौन कौन सा जो लाइन्स होंगे उन 45 डिग्री से इंक्लाइन हो जाएंगे, जो इसके पैरेलल है, समझ रहे हैं इसके पैरेलल है, और सारा का सारा वेट किस पे होना चाहिए, ये इस पे L और IJ है ना, IJ पे होना चाहिए, I और H पे, HI पे। तो हमें क्या HI यहाँ पे दिख रहा है, हमें क्या करेंगे इसको इंक्लाइन करते हैं, सेल्फी क्या हो जाएंगे हमारा एक्सिस भी इंक्लाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक 45 डिग्री का लाइन लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस लेकर के 45 डिग्री का एक एंगल मार्क करेंगे हम लोग और उस पर ये डिस्टेंस कट कर लेते हैं, ठीक है यहाँ से ये डिस्टेंस कट कर लिया, ये ऊपर वाला जो है आपका ये H है और I है, सभी में वन वन लगे हुए हैं, ठीक है एच आई, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये लाइन कैसा है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो सभी पे इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस कितना है, जितना ये है उतना ये है, तो सभी पहले डिस्टेंस कट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये डिस्टेंस लिया, इससे इधर कट कर लिया और इससे इधर कट कर लिया, ये डिस्टेंस है, तो ज़्यादा बड़ा साइज का लेने का कोई मतलब नहीं है, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस रहने देते हैं, और ये इक्वल है तो ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर आएंगे, ठीक है। ऐसे इसका आउटर शेप हो गया, अब इसमें हमें मार्क करना है जी या बी वाली लाइन और एक्सिस का लाइन, तो ये सबसे ले यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, इसी पे सेंटर में नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए सेंटर में ना लेंगे, जो है यह मेजर करके लेंगे हम लोग, ठीक है यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ से इसको मिला देते हैं, चलो इसको डार्क कर देते हैं सबसे पहले, फिर नेमिंग करते रहेंगे हम लोग, डैश डॉट डॉट डायरेक्ट लाइन नेमिंग जैसा है, इसमें यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, सभी में वन वन लगे होंगे, यहाँ पे D होगा, D1, E1, यहाँ पे D, यहाँ से देखेंगे E1, F1, सॉरी E तक तो वहाँ हो गया, F1, G1, H1, I1 एंड यहाँ J1, तो ये नेमिंग हो जाएंगे। सेम फिगर था, अब हमें इंक्लाइन किसको करना था, इसमें 45 डिग्री से यहां पे इंक्लाइनेशन दे देंगे, 45 डिग्री से एक्सिस इंक्लाइन है।
ठीक है। तो हमने इसमें सेम फिगर को, इस फिगर को 45 डिग्री से हमने इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। अब सभी का क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स लेंगे ऊपर में, यहाँ जब हमने इसको ऐसा बनाया तो नीचे से देखने पर, मतलब आप अगर फ्रंट व्यू से यहाँ से देख रहे हैं, मतलब फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें कहाँ दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन पे। जब वर्टिकल प्लेन पे दिखा रहा है तो किस टाइप से दिखाई देंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे और इधर से प्रोजेक्शन लेंगे, इस दोनों का रिजल्ट यहाँ दिखाई देगा, वो मतलब वर्टिकल प्लेन से जब आप लोग फ्रंट व्यू में देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों से हम लोग प्रोजेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। एडिट करना है इसको, मेरे एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, नहीं तो एडिट कर देना है इसको। देखेंगे मिडिल साइड में पॉइंट ए हो जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बी का है, इसका प्रोजेक्टर साइज नहीं लिया क्या, नहीं लिया, एक प्रोजेक्टर साइज, ठीक है, यहाँ से एक प्रोजेक्टर से यहाँ से देखेंगे हम लोग, इट इज़ सो डिफिकल्ट इन दिस टाइप ऑफ बोर्ड बट ओके ओके। तो वी हैव कंसिडर पॉइंट बी, पॉइंट बी इज द पॉइंट, सबसे टॉप लाइन है पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी, पॉइंट सी, नेक्स्ट सेकेंड लाइन पॉइंट डी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, पॉइंट ई बी के साथ में यहाँ पे, लेकिन यहाँ सबसे नीचे हो जाएंगे पॉइंट ई, ये हो जाएंगे पांच पॉइंट हो जाएंगे ए बी सी डी ई एंड एफ जी एच, पॉइंट एफ ए वाले लाइन पे है, यहाँ पे हो जाएंगे पॉइंट एफ, दूसरा जी है सबसे टॉप में देखेंगे यहाँ पे जी, एच एच लाइन हो जाएंगे यहाँ पे देखेंगे एच पॉइंट है, और ये है यहाँ पे एच आई, आई इसी के साथ में होंगे सबसे नीचे सेकंड लास्ट लाइन हो जाएंगे आई, सॉरी ए पॉइंट इज हियर, ए इज हियर, ठीक है ओके, आई एंड जे पॉइंट हो जाएंगे यहाँ से सबसे नीचे वाले लाइन जी। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स एंड वी हैव मैक्स द फ्रंट व्यू ऑफ दिस फिगर। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट होंगे, अब हम लोग मिलाएंगे किसको, फिर पुराना रूल हम लोग यूज़ करेंगे, आप लोग को पता है कौन सा, सबसे पहले हम लोग इसके आउटर बाउंड्रीज को मिलाएंगे, आउटर जैसे जे से ई मिला हुआ है क्या एक्चुअल कंडीशन में, यस जे से ई मिला हुआ है, जी से बी भी नहीं मिला हुआ है, एफ से ए मिला हुआ है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि पार्टिकुलर कौन सा लाइन मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि एक एफ को सी से मिला देंगे, ऐसा कोई लाइन है ही नहीं, है ना, तो वैसे उस लाइन को मिलाएंगे जो आप एक्चुअल में मिला हुआ है। तो क्या है यहाँ पे देखेंगे आउटर बाउंड्री में एफ से जे यस मिला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, एफ से जी ये भी मिला हुआ है स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, एच को यहाँ से थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, जी से लेकर के बी, यस जी से लेकर के बी मिला हुआ आपस में, यहाँ से इसको मिला देते हैं, बी से सी, हाँ बी से सी भी आपस में मिला हुआ है, ये सी से डी भी मिला हुआ है, डी से ई भी मिला हुआ है एंड जे से ही ये मिला हुआ है। तो ये दीज आर द आउटर बाउंड्रीज एंड हम लोग क्या करेंगे इसके बाद में इंटरनल बाउंड्रीज में कौन कौन सा, जैसे यहाँ से देखेंगे तो कौन कौन सा फेस है इसका ये हमें दिखा देंगे, जैसे कि एफ ए, एफ ए यहाँ पे हमें दिखना चाहिए लेकिन यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सबसे पहले इसको शो कर देंगे, मार्कअप कर यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, ए से लेकर बी होना चाहिए, देखिए ए से बी दिखना चाहिए इधर से, यस ए बी सी डी पूरे दिखना चाहिए, तो ए से बी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम सबसे पहले ए को मिला देंगे यहाँ से, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, डी से ई, ई से एफ, ये सभी दिखाई देंगे। अब क्या यहाँ से जी से एच, जी से एच कहाँ भाई, यहाँ से यहाँ इधर से देखेंगे दिखाई देगा, नहीं पीछे वाला इस सारे पोर्शन से हिडन हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है इसको डैश डैश में लेके आना है, एच से आई के भी डैश डैश में लेके आना है, आई से जे ये भी डैश डैश में लेके आना है। दूसरा कंडीशन ये है क्या एच से लेकर के सी, एच से सी पीछे साइड हो गया ये नहीं दिखाई देंगे, इसको डैश डैश में लेके आएंगे और आई से डी ये डैश डैश में लिखाएंगे,
एक्सिस कहाँ है इसमें, एक्सिस का पॉइंट देख ले, यहाँ पे एक्सिस है, दूसरा एक्सिस यहाँ पे है, बाकी इसके ऊपर ये है, ए को फिर से हम थोड़ा सा अलग शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे डैश डॉट हम बना देते हैं, तो ये फिगर हो जाएंगे। इसमें नेमिंग क्या, वन वन था या नीचे में, सभी में वन डैश लग जाएंगे, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि वन नीचे था तो वन डैश आ जाएंगे इसमें, ठीक है, नेम चेंज हो जाते हैं आई, तो ये डिफरेंट टाइप से नेम हो जाएंगे। ये हमें पेंटागोनल प्रिज्म का सेकेंड स्टेज हो गया, वीपी पे रखा हुआ था। अब नेक्स्ट कंडीशन है, यहाँ से पहले वीपी पे, वीपी से पैरेलल था, एचपी से पैरेलल था, वीपी से परपेंडिकुलर, फिर वीपी से इंक्लाइंड, एचपी से पैरेलल ही एक्सिस है, अभी भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में पैरेलल नहीं रहेंगे, एचपी से पैरेलल नहीं रहेंगे, क्या होगा, एचपी से इंक्लाइन हो जाएंगे। अब जब इंक्लाइन हो जाएंगे तो कितने डिग्री से इंक्लाइन होंगे, ये इसके बारे में नहीं दिया, गिवन किसके बारे में हमें है, देखिए सारा फिगर का अभी लोड किस पे कंसंट्रेट है, पूरा इस पे यहाँ पे दिख रहे थे, पूरा इस बेस पे रखा हुआ है, टिका हुआ है। अब इसको हमने इंक्लाइन कर दिया तो किस पे टिका हुआ सारा लोड, आई एच आई पे टिका हुआ, एच आई जो एक लाइन है यहाँ देखिए, एच आई ये सरफेस पे टिका हुआ है। अब हमें ये कैसा दिख रहा है, ये एच पी से परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, इसको क्या करना है हमें नेक्स्ट लाइन में, 60 डिग्री से इंक्लाइन करना है इसको। तो हमें 60 डिग्री से इंक्लाइन करने की, या तो हम इसको ऐसे कर दें, ये लाइन अगर ऐसे है इसको या तो हम ऐसे कर दें, या हम 60 डिग्री से ऐसे इंक्लाइन कर दें, आपकी जैसी मर्जी है वैसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा है तो हम इसको ऐसे इंक्लाइन कर देते हैं 60 डिग्री, है ना। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस बात को कि आप जहाँ भी ये डिस्टेंस ले, ये ओवरलैप ना होता, बहुत पीछे जा करके आपको इसे कंसिडर करना होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ से एच आई लाइन को, सबसे पहले इस लाइन को, ये कहाँ से है, यहाँ से देखें, इस लाइन को हम 60 डिग्री से ऐसे इंक्लाइन करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं 60 डिग्री से इंक्लाइन, और यहाँ देखिए यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मिला देते हैं 60 डिग्री के एंगल से, ये हमने मान लिया 60 डिग्री से इंक्लाइन कर दिया। किसको करेंगे इसमें, इस पॉइंट को। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके लेफ्ट पार्ट में इतना सारा पोर्शन है, ये ओवरलैप ना कर दे, नीचे ना आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर जगह पे लेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस पर दो पॉइंट कट कर लेते हैं हम लोग, एच और आई, कुछ ऐसा जगह कट करते हैं कि ओवरलैपिंग ना हो। यहाँ पर सबसे टॉप में आई हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, आई से नीचे कितना जगह स्पेस है, यहाँ, ठीक है, आई हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं आई, और H कहाँ, यहाँ से के रिस्पेक्ट में यहाँ, तो ये हो जाएंगे I का पॉइंट, ये हो जाएंगे H का पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके मिडिल पोर्शन से हम सबसे पहले एक लाइन ले लीजिए परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इस पर बहुत सारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन है सबसे पहले इसके मिडिल पोर्शन में, मिडिल क्या क्या डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है, हमने मेजर कर लिया यहाँ से, ये डिस्टेंस जितना ये है उतना ये है, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ले ले 90 डिग्री, यहाँ से लिया हमने और यहाँ तक, ठीक है, रफली करेंगे ये सारा काम, पूरे पेंसिल्स का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें इस लाइन पे हमें कौन कौन से पॉइंट मीट करेंगे, मिलेंगे हमें, देखिए यहाँ से लेफ्ट में अगर जा रहे हैं तो हमें एक्सिस का पॉइंट मिलेगा, एफ पॉइंट मिलेगा, यहाँ से राइट में जा रहे हैं तो ए पॉइंट मिलेगा, एक्सिस मिलेगा, दो पॉइंट उधर भी मिलेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, यहाँ पे एफ पॉइंट है तो एफ पॉइंट पहले मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ये एफ हो गया एफ पॉइंट, फिर एक्सिस का पॉइंट है, एक्सिस भी मार्क करते हैं यहाँ से, ये एक्सिस पॉइंट हमने मार्क कर लिया। यहाँ से राइट साइड में क्या है, ए पॉइंट है, पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं यहाँ से, पॉइंट ए हो गया ये, और फिर इधर राइट साइड में एक्सिस है, एक्सिस है, और एक लास्ट वन यहाँ से देखेंगे जिसपे परपेंडिकुलर लेकर बी और सी खींच ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस पर परपेंडिकुलर अगर कर दे तो इस पर कहीं पे हमें बी मिलेगा और सी मिलेगा, तो ये काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जितना डिस्टेंस सी का है उतना ही नीचे डी का है, सी इधर डी, यहाँ डी लेते हैं यहाँ सी लेते हैं, क्या डिफरेंट, ये डिफरेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप लोग नोट कर ले रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो उसको थोड़ा बहुत मुझे अगर इरेज करना होगा मैं कर लूँगा। नेक्स्ट
तो हमें बाकी का पॉइंट कौन कौन से है, देखिए यहाँ पे जी और जे पॉइंट है। जी और जे पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से इस डिस्टेंस पे लेफ्ट में आना है, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये भी कर लेते हैं। यहाँ से एक लेफ्ट में डिस्टेंस लेना है, या हम एफ से डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे और इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जितना लेफ्ट में ऊपर नीचे है उतना ही ऊपर भी है, दोनों तरफ हम सेम डिस्टेंस कट कर लेते हैं, यहाँ और यहाँ। नीचे साइड में हमारा जे पॉइंट है और ऊपर साइड में जी पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया। दूसरा है यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट से एक जस्ट बाद में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, एक मिनट, ये पॉइंट जस्ट नज़दीक ही था, ये यहाँ है। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं एक फिर से, और ये डिस्टेंस जितना जे और ये था सेम डिस्टेंस कट करेंगे यहाँ पे, इधर भी और इधर पे, ये डिस्टेंस हमने कट कर लिया। यहाँ पे है आप मिलेगा ई पॉइंट और एच आई, ई और ऊपर मिलेंगे अपने को बी पॉइंट, ये डिफरेंट पॉइंट ए डी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो सारे के सारे पॉइंट मिल गए। अभी हमें इसे मिलाना है, यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, आउटर बाउंड्रीज पहले मिला देते हैं, यहाँ से ये मिला देंगे, जैसे इसमें गी शो कर रहा है उसी तरीके से हम लोग मिलाएंगे बिल्कुल ही, सी यहाँ से डी, यहाँ से ये ई और यहाँ के बाद जे और ई को आपस में मिला देंगे, ये तो गिवन है। ए से लेकर के बी तक हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, बी से लेकर के ए से लेकर के ई भी क्लियर दिखाई दे रहा है, नेम जैसा है वैसा हम करेंगे बाद में करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो H है और I, यहाँ से डैश डैश लाइन से हम लोग मिलाए थे इसको, यहाँ भी डैश डैश से हम इसको मिलाएंगे और यहाँ से भी इसको डैश डैश लाइन से मिलाएंगे। यहाँ से A तक का डिस्टेंस था, ये क्लियर दिखाई दे रहा था, यहाँ पे एक्सिस है, ध्यान रखना एक्सिस है, वन डैश सभी में इसको नेमिंग कर देते हैं, एफ वन डैश, जे वन डैश, आई वन डैश, ई वन डैश, सी वन डैश, बी वन डैश, एच वन डैश, तो डिफरेंट टाइप। इसी टाइप से यहाँ पे हमने क्या किया, डैश डॉट है एक्सिस, इसके बाद दिखाया जाए डैश डॉट, तो ये हमने इसको बना दिया। सेम फिगर है, बस ये जो लाइन था, ये लाइन कितने डिग्री से, 60 डिग्री से इंक्लाइन करना था, ये हमने 60 डिग्री से इंक्लाइन कर दिया। मीनिंग ये है, इसको हमने इंक्लाइन किया तो हमारा एक्सिस भी इंक्लाइन हो गया। तो बात हम एक्सिस की अगर करेंगे तो एक्सिस इंक्लाइन है, क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के इसलिए दिया जाता है कि जो आप फंस जाए, लेकिन इसके लिए बस यही है जहाँ भी। अच्छा, एक और भी लाइन, ये हिडन लाइन यहाँ भी है, H और C को, ये हमने नहीं मिलाया अभी, H और C को भी हिडन लाइन है, इसको भी डैश डैश से हमें मिला देना है हिडन लाइन, तो इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। फिर ये जो फिगर बनाया क्या फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को अगर यहाँ से टॉप से देखेंगे इसको, तो हमें क्या टॉप व्यू कहाँ दिखाई देना चाहिए, नीचे, इसका और इसका पर्टिकुलर रिजल्ट हमें नीचे दिखाई देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स लेंगे और प्रोजेक्टर्स के थ्रू बनाएंगे, तो हम प्रोजेक्टर्स लेते हैं सबसे पहले, इसका कट करना है इसको, इसको एडिट करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टर्स, वर्टिकल प्रोजेक्टर्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स, एंड वी हैव ड्रॉ फाइनल फिगर, फाइनल टॉप व्यू ऑफ दिस प्रोजेक्शन। और ये कहाँ से आए हैं, फ्रंट व्यू एंड ये टॉप व्यू के दोनों के रिजल्ट से। तो हम लोग फिर, आप लोग को पता है क्या करना है इसमें, पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ए बी सी डी ई, सबसे पहले ए बी सी डी, यहाँ देखेंगे ए सबसे नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ सबसे ये है, ये पॉइंट हो जाएंगे ए, बी सेकेंड वाली लाइन इधर से और बी यहाँ से ए वाली लाइन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये हो जाएंगे बी, और सी पॉइंट जाएंगे जस्ट आगे लास्ट में पॉइंट सी,
डी इसी पे है, आगे चल के डी और ई पॉइंट है, ये मिडिल वाली पॉइंट बी के लाइन में, यस दिस इज ई, ए बी सी डी, एंड एफ जी एच, एफ एफ पॉइंट यहाँ से देखेंगे, यहाँ एफ जी है नेक्स्ट सेकेंड लाइन, इसी पे जी एच पॉइंट लास्ट वन शोज एच टॉप लाइन, एच नेक्स्ट आई आई एच आई प्रोग्रेडेड आई, सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ आई, आई आई पॉइंट इज देयर, हियर इज आई, आई एंड जे, जे पॉइंट जी लाइन जे, हियर जे, ए बी सी डी ई ऑल्सो एक्सिस एंड ऑफ एक्सिस फ्रॉम द ए बी सी डी साइड एंड एफ जी एच आई, एफ जी एच की तरफ जो एक्सिस का लाइन है सबसे टॉप में अगर दिखाई दे, यहाँ पे, यहाँ पे एक है एक्सिस का लाइन, दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सिस, यहाँ एक्सिस का लाइन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक्सिस को हम सबको मिला देते सबसे पहले, अगर आप देखेंगे तो ए से बी आउटर बाउंड्री सबसे पहले मिलाते हैं हम लोग, ए से एफ को मिला सकते हैं आउटर बाउंड्री को, ए से एफ, फिर जी से एफ, एच से, फिर यहाँ से डी को, दिस इज द बेसिक स्केच आउटर बाउंड्री, वी हैव द, वी हैव स्टडी अबाउट द पेंटागोनल, रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म, और इसमें ये फाइनल फिगर बना रहे हैं हम लोग, इसका आउटर बाउंड्रीज को क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसको टॉप से देखते हैं, अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो क्या ये फेस दिखाई देगा ए बी सी डी, जी हाँ ए बी सी डी दिखना चाहिए, नीचे वाला साइड ना दिखाई दे, तो ए बी सी डी को हमें क्लियर करना है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डार्क लाइन के थ्रू हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए डार्क लाइन के थ्रू दो लाइन यहाँ सी से पॉइंट, तो क्या सी और एच, सी और एच कहाँ है, सी और एच दिखना चाहिए, इससे भी हम सी और एच को हम दिखा देते हैं। इसके बाद में क्या बी और एच दिखाई देंगे, यहाँ देखें बी और एच ऊपर से देखने पर दिखाई देना चाहिए, तो बी और एच को भी शो कर लेंगे। यहाँ देखें ई और जे सबसे नीचे हैं, तो शायद नहीं दिखाई दे, नहीं दिखाई दे तो उसको डैश डैश लाइन से हम बनाएंगे, ठीक है। अब क्या है एच आई, ये आई पॉइंट था, और आई पॉइंट से, आई से जे कहाँ पे है भाई, आई से जे ये नीचे का है, तो ये शायद नहीं दिखाई दे, तो इसको भी हम डैश डैश लाइन से हम, जे से एफ, जे से एफ ये भी नीचे का लाइन है ऐसे, तो इस टाइप से हमारा ये प्रिज्म बन जाएंगे। इसमें नेमिंग क्या करेंगे, वन वन तो ले लिया था, वन लिया था नेक्स्ट यहाँ पे, या यहाँ पे ए वन वन कर ले, ए वन वन, बी वन वन, सी वन वन, डी वन वन, ई वन वन, एफ वन वन, जी वन वन, एच वन वन, आई वन वन, जे वन वन, और एक्सिस लाइन हमें दिखाई दे रहा था, एक्सिस को हम क्या करेंगे डैश डॉट के थ्रू, इसको हम डैश डॉट के थ्रू हम इसे शो कर देंगे इस तरीके से, मेन लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेन लाइन के ऊपर जा रहा है तो इसको डार्क करें, तो इस तरीके से ये कंप्लीट फिगर बनेंगी। तो देखने में क्या आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से आए या वर्टिकल प्लेन से बनाना सेम तरीके से, नेमिंग में बस थोड़ी सी फर्क हो, चेंजेस आ जाती है आपको, प्रिज्म और पिरामिड में
समझ रखना है कि हमें किस तरीके से नेमिंग करना है कहाँ कहाँ। जैसे अगर हम यहाँ पिरामिड बनाते तो ये एक्सिस से मिला हुआ होता, प्रिज्म है तो बिल्कुल ही सीधा सीधी क्लियर है, तो इसका ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं अगर, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कोशिश करते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन वाला कुछ पार्ट को पढ़ाएं पहले। इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के, कल हेक्सागोनल टाइप मिलेंगे तो मैं कुछ और करवाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चन आपको करवा दें। ठीक है।